बस आप लोगों ने टाटा की हिट गाड़ियाँ जैसे कि टाटा हैरियर देखी होगी, टाटा नेक्सॉन देखी होगी या टाटा की सफारी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा टाटा की ऐसे तीन गाड़ियाँ जो कि पूरी तरह पीट गई हैं, फिर फ्लॉप हो गई कह सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर तीन पे, तो आता है टाटा का नैनो। ये गाड़ी 2008 में लॉन्च हुई थी जो कि रतन टाटा जी ने टू व्हीलर वालों के लिए देख के बनाई गई थी, लेकिन इसमें सेफ्टी रीजंस ना होने के कारण और लोगों ने थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा मजाक बना दिया, जिस वजह से 2018 में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और बात करें नंबर टू पे, तो आता टाटा का इंडिगो एक्सेल। बता दूं 2007 में लॉन्च हुई ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा ही क्रेज था उस टाइम इस गाड़ी का, लेकिन फिर भी ये ज्यादा नहीं बिक पाई, जिस वजह से 2011 में इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वही नंबर वन जाने से पहले वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। नंबर वन पे आता गाइस हमारा टाटा का बोल्ट। नो डाउट ये गाड़ी 2014 में लॉन्च हुई थी, लेकिन बहुत ही तगड़ी गाड़ी थी अपनी रेंज के हिसाब से, लेकिन उस टाइम पे के मार्केट में ये चल नहीं पाई, सेल्स बहुत ही लो होने के कारण 2019 में इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया।